हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राइड ऑफ साइंस क्लासेस। आज काफ़ी दिन बाद आना हुआ, तबीयत नहीं ठीक थी, सर्दी जुकाम खांसी। हाँ, जल्दी जल्दी हो गया इधर, है ना। उस दिन पहले भी मैंने इसीलिए नहीं ली थी क्लासेस ना, जुकाम हो गया था। बट इधर फीवर वगैरह भी था, मेरे बेटे को भी था, मुझे भी हो गया। ऑलमोस्ट पूरी फैमिली वायरल से पीड़ित थी, सफ़र कर रही थी। बस मुझसे रहा नहीं गया, अभी भी थोड़ा सा है, हल्का सा जुकाम। बट आज मैंने कहा ले ही लेती हूँ, बहुत दिन हो गया, मेरा मन नहीं माना। शुरू करते हैं आपकी प्रारंभ साइंस क्लासेस में, आप सभी का स्वागत है। और अपनी एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेटेड लाइन से हम शुरू करते हैं, जो मैं हमेशा से करती हूँ। थॉट कैन नॉट सॉल्व एनी ह्यूमन प्रॉब्लम। जो सोच होती है, ठीक है, एक जो सोच है, थॉट है, वो किसी भी ह्यूमन की जो सोचने की क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं सॉल्व होती है, ना कर सकती है। सोच आप अपनी कभी रोक ही नहीं सकते हो। आप खाली बैठे हो, कहीं भी बिजी हो, आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो चलती ही रहेंगी, उन्हें आप कभी रोक नहीं सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि थॉट कैन नॉट सॉल्व एनी ह्यूमन प्रॉब्लम, फॉर थॉट इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम। थॉट अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। थॉट इज इटसेल्फ ऑफ अ प्रॉब्लम। ये खुद में अपने आप में एक प्रॉब्लम है। सोच, आप इतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि वो चीज़ें आपको खुद ही प्रॉब्लम लगने लगती हैं। अब जैसे आपके फ्रेंड ने ये कह दिया, या आपके घर में किसी ने कुछ कह दिया, या आपने कोई काम ऐसा किया कि आपके दिमाग में चल रहा है हम ऐसा ना करते तो ये होता, ये कर दिया तो ऐसा हो जाता। तो ये चीज़ें मत सोचिए। जितना आप सोचोगे वो चीज़ें उतनी ही आपको परेशान करेंगी। इसे एक कहा गया है कि सोचना ह्यूमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, एक सोच खुद में ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे आप अपने बस एक काम ये करिए, किसी चीज़ कोई चीज़ कर दी, हो गई, ख़त्म करिए, उससे आगे उस चीज़ को सोचना ही नहीं है, है ना। इसी तरह अगर आपने कोई काम किया है, किसी ने आपसे कुछ कह दिया या आपने किसी को कुछ कह दिया, थोड़ी देर आता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आता, किसी से कोई बात हो गई तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर वो चीज़ें हो गई हैं, हो चुकी हैं, तो उसे वहीं पर दैट सॉल्व कीजिए, ख़त्म कीजिए और इग्नोर करके आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज से, हमने एक नया टॉपिक शुरू किया, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसके पहले हमने क्या शुरू किया था, इसके पहले हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बायोलॉजी कहाँ पढ़ी हमने, ठीक है, नहीं, इसके पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, और अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, एक्सक्रीशन से ही समझ लीजिए, किसी चीज का बाहर निकलना, हमारी बॉडी से हो या कहीं से भी एक्सक्रीशन होना, किसी चीज का बाहर निकलने। एक्स मतलब होता है एग्जिट, बाहर, और क्रीट्री मतलब हो गया, क्रीट मतलब हो गया फ्लो, मतलब कि बाहर की तरफ किसी चीज का फ्लो होना, दैट्स कॉल्ड द एक्सक्रीशन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई उसका अंत ज़रूर होता है, है ना। तो उसके अंत जो होता है, उस अंत के लिए जो एक्सक्रीशन होता है वो उसका अंत हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो हम बाहर एक्सहेल करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर का क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हम गेन करते हैं, CO2 बाहर फ्लो करते हैं, तो ये भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हम CO2 और वाटर, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में हम लेते हैं, वो भी हम किसी न किसी फॉर्म में बाहर एक्सहेल भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन हो गया। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। कुछ यूरिनरी ब्लैडर से होता है, कुछ हमारे और भी अलग ऑर्गन से होता है। और जो हमारे ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं,
अगर ये हमारी बॉडी के अंदर बने रहते हैं, जैसे किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है, जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता है तो हमारे लिए वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। वो अंदर ही अंदर क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, लूज मोशन नहीं होते हैं तो लोगों को क्या होता है, वो दवाई खा के जाते हैं जाते हैं ना। तो ये क्या है, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। तो एक्सक्रीशन होना मस्ट है, इसके लिए लोग दवाइयाँ करते हैं, महंगे महंगे डॉक्टर्स का इलाज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टू गुड है यार, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये होता ही होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, जो एक प्रोसेस है केमिकल वेस्ट को बाहर निकालने का, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी से, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिक कंडीशन को, मतलब एक जैसी कंडीशन बनी रहे। अगर हम खाते रहेंगे पीते रहेंगे और हम कुछ एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो बैलेंसिंग है ना, ये बनेगी ही नहीं और क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई ना कोई खराबी आ जाएगी। ऑर्गन्स विच आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन्स विच आर कंसर्न, जो ऑर्गन्स इनसे जुड़े होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेशन होता है, स्टोरेज होती है, एलिमिनेट होते हैं, यूरिन कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। ऑर्गन्स जहाँ पे क्या होता है, विच आर कंसर्न, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ये थोड़ी है कि तुरंत बना और निकल गया, स्टोर होता है, वहाँ पे भी एक क्या होती है, क्वांटिटी होती है, जितने स्टोर होने के बाद ही वो एलिमिनेट होगा। एलिमिनेशन ऑफ यूरिन कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे आ जाती हैं। सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड, कौन कौन से सब्सटेंस हमारे एलिमिनेट होते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रेगुलरली फॉर्म्ड इन अवर बॉडी और विच आर एब्जॉर्ब थ्रू द फूड दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड अदरवाइज दे बिकम हार्मफुल। देयर आर अ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो रेगुलर फॉर्म होते रहते हैं। अगर ये रेगुलर नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई इशू जरूर हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और विच आर एब्जॉर्ब थ्रू द फूड, जो क्या होता है, फूड के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं बहुत सी चीज़ें, दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड, जो इसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज दे बिकम हार्मफुल। अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, वो हार्मफुल होगी, टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। तो उन्हें क्या, एलिमिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है। एलिमिनेटेड सब्सटेंस में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, एक्सेस सॉल्ट हो गया, जितना एक्सेस सॉल्ट जितनी हमें ज़रूरत है वो लेता है, बाकी निकाल देता है, एंड विटामिंस, एक्सेस वाटर, बाइल पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जितनी नीड है उतना लेता है, बाकी एलिमिनेट कर देती है हमारी बॉडी। अब हम इनके जो हमारे सब्सटेंसेस एलिमिनेट के, कहाँ से कैसे कौन सा सब्सटेंस रिमूव होता है वो देखते हैं। लिविंग सेल लिबरेट्स, जो लिविंग सेल्स होती हैं वो लिबरेट होती हैं एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज। वो क्या करती हैं, ग्लूकोज में एनर्जी ले लेती हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, और विद द प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड वाटर, और वहाँ क्या प्रोडक्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट करती हैं, ठीक है, वो बनाती हैं। CO2 इज एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स, और जो CO2 निकालते हैं वो किसके थ्रू निकलती है, लंग्स के थ्रू निकलती है,